लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का News 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। इंदौर में चोरी की घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। चोरों के बुलंद हौसले पुलिस की गश्त को भी चुनौती दे रहे हैं। अब चोरों ने एमजी रोड थाने से महज कुछ ही दूरी पर बनी एक कपड़े की दुकान पर धावा बोला है। रात की कड़कड़ाती ठंड में रजाई में दुबक कर चैन की नींद सोने वालों की नींदें चोर खराब कर रहे हैं। इंदौर के शातिर चोर इसका फायदा उठा रहे हैं और चोरी पर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। अब चोरों ने एमजी रोड थाने के ठीक सामने कुछ मीटर दूरी पर मौजूद एक कपड़े की दुकान पर धावा बोला है। चोर दुकान का शटर उचका कर दुकान के गल्ले में रखे 1,20,000 रुपए नकदी और 1,00,000 से ज्यादा के कपड़े चुरा ले गए। दुकान के चौकीदार ने आज सुबह कुछ कपड़े दुकान के बाहर पड़े देखे तो मालिक को सूचना दी। दुकान मालिक ने मौके पर पहुंचकर पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। चोर दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी के तार भी तोड़ गए। एमजी रोड पुलिस मामले की जांच में जुटी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट News 29 इंडिया। चाचा कब पता लगा था चोरी का? 8 बजे। क्या घटना हुई यहाँ पर? कैसे घुसे चोर अंदर? यहाँ शटर को उचका के घुसे, ताला नहीं तोड़ा, उचका के घुसे। क्या क्या लेगा माल यहाँ से? 1,20,000 रुपये से नगद से कर ले थे और 1,70,000 के करीब माल लेगा। तीन शर्ट और जैकेट। पहली बार घटना हुई यहाँ पर? पहली बार घटना हुई। तो कैमरे भी लगे अंदर? कैमरे भी लगे लेकिन वायर तोड़ दिए उन्होंने। आसपास कोई कैमरे लगे? लेकिन उनके पास कोई फुटेज नहीं, बंद करके चले जाते हैं। क्या लगता है कि भी शंका हो या कुछ हो आपको? नहीं, अब क्या तो कोई लगता ही नहीं है क्योंकि फ्रंट पर दुकान है और रोड तो 24 घंटे चलते वाला। बने रहिए News 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।